हेलो स्टूडेंट्स 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं हम इसमें इवैल्यूएट द फॉलोइंग हमें एंगल्स की वैल्यू अगर याद नहीं है कि साइन 60 साइन 30 साइन 45 90 क्या होता है उसे याद करने के लिए हम पहले एक टेबल बनाते हैं अगर आपको एग्जाम में भी याद नहीं है तो आप जल्दी से विद इन 2 मिनट्स टेबल बना सकते हो वैल्यूज देखने के लिए यहां पे हमने लिया एंगल थीटा 0 30, 45, 60 and 90. Sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta. Sin theta, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 upon में 4 और इनका लेंगे स्क्वायर रूट क्लियर 0 अपॉन समथिंग इज 0 1 का स्क्वायर रूट 1 4 का 2 दिस इज 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 4 का स्क्वायर रूट 2 दैट इज 1 ये आ गया हमारे पास साइन की वैल्यूज आ गई साइन 0 sin 30, sin 45, sin 60 and sin 90. अब जो cos है, उसकी value हम reverse से लिखनी शुरू करेंगे. That is 1 root 3/2, 1/√2, 1/2 and 0. tan क्या है? sin theta upon cos theta, 0 upon 1, 0, 1/2 upon root 3/2. 2 से 2 cancel हो जाएगा. 1/√3. This is 1. 2 cancel हो गया. Root 3. 1 upon 0. Not defined. Cosec क्या है? Reverse of sine. जो cosec है, that is reverse of sine. Sine की values को reverse करोगे. 1 upon 0. Not defined. 2 root 2. 2/√3. 1/1. Sec is reverse of cos theta. 1/1. 2/√3. Root 2. 2. 1/0. Not defined. Cot is reverse of tan. 1/0. Not defined. Root 3. 1. 1/√3. 1/ not defined. That is 0. Clear? ये हमारे पास values आ गई. पूरी. साइन कॉस टैन कोसेक सेकंड कॉट की अगर आपको एग्जाम में नहीं याद तो आप टेबल बना सकते हो इट इज वेरी इजी सो बाय यूजिंग दिस वैल्यू अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट इज साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री साइन 60 इज √3/2 Now multiply cos 30 is √3/2, sin 30 is 1/2, cos 60 is 1/2. Multiply करेंगे √3 into √3, 2 into 2 plus 1/4, so 4/4, 1. तो हमारे पास first part का answer आ गया 1. Now second part, 2 tan square 45 degree. प्लस cos square 30 डिग्री माइनस sin square 60 डिग्री हम इसे लिख सकते हैं tan 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस cos 30 स्क्वायर माइनस sin 60 स्क्वायर tan 45 इज 1 2 into 1 स्क्वायर cos 30 इज √3/2 स्क्वायर माइनस sin 60 इज √3/2 2, 1 square is 1 plus root 3 square 2 square minus root 3 square 2 square ये cancel हो जाएगी same term है with opposite sign तो हमारे पास क्या आया 2 इसे solve करके हमें value मिली 2 clear now next third part अगर आपके पास table है तो values को करना इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत इजी होगा नाउ थर्ड cos 45 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री
cos 45 is 1 by root 2 sec 30. Sec 30 is 2 by root 3 plus cosec 30 is 2. Take the LCM, 1 by root 2, root 3, 2 plus 2 root 3. कैसे लिख सकते हैं हम इसे 1 by root 2 into root 3 2 plus 2 root 3 यही टर्म आ गई हमारे पास. Now multiply करेंगे root 3 2 root 2 plus 2 दोनों टर्म square root में है multiply हो जाएगा 3 into 2 6. अब जो denominator में टर्म है वो square root में है तो हम इसे rationalize कर देते हैं 2 root 2 plus 2 root 6 multiply by 2 root 2 minus 2 root 6 2 root 2 minus 2 root 6. जो denominator की terms है उसका जो middle का sign है वो change हो जाएगा. यहाँ plus था तो minus लगा दिया. Multiply करेंगे 2 root 2 को root 2 root 3 root 6 minus 2 root 6 into root 3 root 18. यहाँ पे identity यूज होगी a plus b a minus b a square minus b square 2 root 6 minus 2 root 18 2 का square 4 root 2 का square 2 2 का square 4 root 6 का square 6 4 into 2 8 डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 18 4 into 2 4 into 6 24. यहां तक नोट कीजिए. नेक्स्ट स्टेप में क्या आया हमारे पास 2 रूट 6 माइनस रूट 18 8 माइनस 24 इज माइनस 16. माइनस को ऊपर एडजस्ट किया हमने स्क्वायर रूट ऑफ 18 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन 8. 18 को हम कैसे लिख सकते हैं 9 इनटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बाय 8. तो ये हमारे पास जितना हम मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं उतना हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू है. नोट इट डाउन. Now next part, fourth part. Fourth में क्या given है हमें? Sine 30 degree plus tan 45 minus cosec 60 upon sec 30 plus cos 60 plus cot 45. Put the values. Sine 30 degree is 1 by 2. Tan 45 is 1. Cosec 60 is 2 by root 3. Now sec 30 2 by root 3. Cos 60 1 by 2. Cot 45 is 1. Now take the LCM. 2 root 3. क्या है यहाँ पे 2 है root 3 नहीं है 1 into root 3 plus 1 into 2 root 3 minus यहाँ पे root 3 है 2 नहीं है तो 2 into 2 4. नीचे भी denominator में LCM लिया यहाँ पे square root of 3 है 2 नहीं है so 2 into 2 4 2 है square root of 3 नहीं है और यहाँ पे दोनों terms नहीं है. ये आ गया हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है 2 root 3 कैंसिल हो जाएगा. क्या बचा हमारे पास दोनों टर्म स्क्वायर रूट ऑफ 3 की है इसके आगे जो टर्म है दैट इज 1 सो 2 plus 1 3 root 3 minus 4 और डिनोमिनेटर में बचा 3 root 3 plus 4. रैशनलाइज करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट की टर्म है 3 root 3 minus 4 middle sign change हो जाएगा plus की जगह negative. Numerator में same terms है a minus b whole square that is equals to a square
plus b square minus 2ab. और डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स हैं a plus b, a minus b. a square minus b square. ब्रैकेट्स ओपन करेंगे. 3 square is 9. Root 3 square is 3. 9 into 3, 27. 4 square. 4 into 2, 8 into 3, 24. Root 3. 3 square, 9. Root 3 square, 3. 9 into 3, 4 square is 16. 43 minus 24, root 3 upon 11. 43 minus 24 root 3 upon 11. अगर हमारे पास denominator में square root वाली term आती है, तो हम उसे rationalize करके solve करेंगे, ताकि at least denominator में हमारे पास square root की term नहीं हो. Note it down. Now next, fifth part. Degree plus 4 sec square 30 degree minus tan square 45 degree upon sin square 30 plus cos square 30. Put the values. 5 into cos 60 square. Cos 60 is 1 by 2 square. Cos square 60 का मतलब है cos 60 degree की जो value है उसका square. Plus 4 sec 30. Sec 30 is 2 by root 3. Iska bhi square. Tan 45 is 1 square. Sin 30 degree 1 by 2 square. Plus cos 30 degree root 3 by 2 square. Brackets open karenge hum. Kya aaya hamare paas? 5. 1 by 2 square is 1 by 4. 4 into 4 by 3 minus 1, 1 by 4, square root of 3 square, 5 by 4 plus 16 by 3 minus 1, 4 by 4, LCM liya humne denominator mein bhi, 1 plus 3 by 4, 4 into 3, 12, 5 into 3, 15 plus 16 into 4, 64, minus 12, this is 4 by 4, denominator is 1. Kya aaya hamare paas? 15 minus 12 is 3, 64 plus 3, 67 by 12, 67 by 12. To humne kya kiya? Sirf hamare paas table hai, usme sabhi angles ki value hai. For all the identities, sine, cos, tan, cosec, सभी trigonometric ratios की value है, हर angle के लिए, बस हमने values put की and then solve.